आज मैं बात करूंगा 4G और 5G के बीच में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ के मामले में अगर हम अंतर देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है बैंडविड्थ में। इसमें 200 Mbps तक की स्पीड होती है मैक्सिमम, जो कि 5G में 1 Gbps तक की जाती है स्पीड जो है। और अगर लेटेस्ट की बात करें तो ये 20 से 30 मिली सेकेंड में काम करता है, जबकि 5G हमारा 10 मिली सेकेंड में ही काम कर लेता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हम जो मेनली एवरेज स्पीड जो रहती है वो 25 Mbps तक की रहती है 4G में, और 200 से 300 Mbps तक की आसपास ये रहती है। मतलब जब हम चलाते हैं नेट जो है ना, तो उसकी जो स्पीड आती है वो इतने के आसपास आती है। हालांकि आप लोग यूज कर रहे हैं, आपको पता होगा कि कितनी स्पीड आ रही है रियल में जो, ठीक है ना। तो ये है, जब स्पीड आएगी तब की बात है, नहीं आएगी तो 2G से भी स्पीड स्लो होगी। तो ये हो गया। इसके अलावा इसका जो डिस्टेंस अगर यहाँ पे देखें जाए तो 400 डिवाइस पर किलोमीटर, ठीक है ना, ये कनेक्ट हो सकता है। ये 1 मिलियन डिवाइस पर किलोमीटर कनेक्ट हो सकता है। 4G जो था वो CDMA टेक्नोलॉजी पे काम करता था जो है, ठीक है ना। ये OFDMA है, ठीक है ना, और DBDMA पे काम करता है, ठीक। 2018 में आया 5G, शुरुआत इसकी हुई जो है 2022 में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।